नमस्कार, मेरा नाम श्याम रवि है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था और हमारा देश तब से अब तक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। परंतु हमारे देश के पूर्ण विकास के मार्ग पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आज कांटे बनकर खड़ी हैं। इन्हीं समस्याओं को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता में पिरोया है और मैं इसी कविता को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15 अगस्त का दिन है कहता, 15 अगस्त का दिन है कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी। 15 अगस्त का दिन है कहता, 15 अगस्त का दिन है कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी। जिनकी लाशों पर पग धर कर, जिनकी लाशों पर पग धर कर भारत में आजादी आई है, वे अब तक है खाना बदोष, गम की काली बदरी छाई है। कलकत्ते के फुटपाथों पे जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पे जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू होने के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज है आती, हिंदू होने के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चले जाओ, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता है, इंसान जहां बेचा जाता है ईमान खरीदा जाता है, इंसान जहां बेचा जाता है ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकिया बढ़ता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है, लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है, पख्तूनों पर गिलगित पर गमगीन गुलामी साया है, पख्तूनों पर गिलगित पर गमगीन गुलामी साया है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।